एक एरे है उसको इनिशियलाइज करना है, जिसके काउंट्स नाम के जो एरे है उसे 10 एलिमेंट्स हैं उनको जीरो करना है। तो हम एक फॉर लूप लगाएंगे और उसमें काउंट्स इक्वल टू जीरो, काउंट्स स्क्वायर ब्रैकेट में काउंटर वेरिएबल इक्वल टू जीरो कर देंगे। एड 1 टू ईच ऑफ 15 एलिमेंट ऑफ इंटीजर एरे बोनस, बोनस नाम की एरे है उसके सभी एलिमेंट्स में, उसमें 15 टोटल 15 एलिमेंट्स हैं, सब में एक ऐड करना है। तो हम एक फॉर लूप जिसमें काउंटर वेरिएबल आई इक्वल टू जीरो से 15 और बोनस आई प्लस प्लस लिख देंगे। रीड द 12 वैल्यूज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट एरे मंथली टेम्परेचर फ्रॉम द कीबोर्ड। ये मंथली टेम्परेचर नाम की एक एरे है, उसमें उसके सारे 12 एलिमेंट्स हैं उनको कीबोर्ड से रीड करना है। फ्लोटिंग पॉइंट एरे है तो हम फॉर लूप में कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज ऐप देंगे और नॉर्मल वेरिएबल के रूप में इसको रीड कर लेंगे। प्रिंट द 5 वैल्यूज ऑफ इंटीजर एरे बेस्ट स्कोर इन कॉलम फॉर्मेट। बेस्ट स्कोर्स नाम की एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं उनको कॉलम के रूप में, स्तंभ के रूप में प्रिंट करना है। तो फॉर लूप और उसमें जहाँ प्रिंट कर रहे हैं उसमें बैकस्लैश एन लिख देंगे, जिससे हर वैल्यू के बाद में न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगा। फाइंड द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट्स एंड करेक्ट द एरर। ये कुछ प्रोग्राम सेगमेंट हैं जिनमें एरर ढूंढनी है और उस एरर को प्रिंट करना है। हैज डिफाइन साइज स्पेस एंड रेड सेमीकॉलन, इसमें क्या एरर है? तो इसमें एरर है यहाँ सेमीकॉलन नहीं आना चाहिए, तो कैसे सुधारें? इस सेमीकॉलन को हटा दो और स्टेटमेंट हो जाएगा हैज डिफाइन साइज स्पेस 100, साइज इक्वल टू 10 सेमीकॉलन, इसमें क्या एरर है? तो असाइनिंग ए वैल्यू टू ए सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट यूजिंग एन असाइनमेंट स्टेटमेंट, ये साइज एक सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट है उसको हम इस तरह से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। कैसे हटाएं? तो असाइन यहाँ पर पहले कन्वर्जन स्पेसिफायर हैज डिफाइन काम में लेना पड़ेगा और ये इक्वल टू का साइन और सेमीकोलन हमें हटाने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा हैज डिफाइन साइज 10। ये स्टेटमेंट है इंट बी स्क्वायर ब्रैकेट में 10 इक्वल टू 0 कर्ली ब्रेसेस में लगा दिया कोमा आई सेमीकोलन फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन इक्वल टू 10 प्लस प्लस आई बी आई इक्वल्स टू 1। इसमें क्या गलती है? तो इसमें वैसे देखा जाए तो गलती कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो ये सबस्क्रिप्ट ये प्रोटेक्शन नहीं है वैल्यूज पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे, क्योंकि बी एरे है उसकी साइज हमने 10 लिया और तो हम टोटल 10 एलिमेंट इस एरे में होंगे। तो यहाँ पर जो आई लेस देन इक्वल टू 10 लगाया है मतलब बी सबस्क्रिप्ट 10 होगी, वो कोई एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए यहाँ से हमें इक्वल टू साइन हटाना पड़ेगा या लेस देन इक्वल टू 9 लिखना पड़ेगा। हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच सेमीकोलन, इसमें क्या गलती है? तो इसमें सेमीकोलन लगा हुआ है, प्री प्रोसेसर कमांड में सेमीकोलन नहीं लगता है। क्या गलती है, सुधारें कैसे? तो ये सेमीकोलन हटा देंगे। इंट ए टू टू इक्वल टू 1 2 3 4 ए 1 1 इक्वल टू 5, इसमें क्या गलती है? तो इसमें पहले स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, दूसरे स्टेटमेंट में ए 1 1 नहीं होगा। सबस्क्रिप्ट जब भी बना लिखते हैं तब दोनों हर सबस्क्रिप्ट को सी प्रोग्राम में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। कैसे सुधारें? तो यहाँ कॉमा हटा के इसी जगह से एक कर ली स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। हैज डिफाइन वैल्यू इक्वल टू 120, इसमें क्या गलती है? जो हैज डिफाइन होता है सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट उसमें इक्वल टू का साइन नहीं आता है। कैसे सुधारें? इक्वल टू का साइन की जगह स्पेस कर दें तो ये हो जाएगा एस डिफाइन वैल्यू 120। सी एच ए आर एस टी आर 5 स्कैन एफ परसेंटेज एस एस टी आर सेमीकोलन, इसमें क्या गलती है? तो इसमें सेंटेक्स एरर, किसी तरह की सेंटेक्स एरर नहीं है। यहाँ ध्यान रहे जब स्ट्रिंग करेक्टर एरे आती है तब यहाँ एम परसेंट लगाने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ दिक्कत तब आएगी जब एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम 4 से ज़्यादा दे देंगे, क्योंकि 4 5 सबस्क्रिप्ट वाली है तो टोटल 5 एलिमेंट्स होंगे,
पांचवा एलिमेंट मतलब सबस्क्रिप्ट जिसकी चार है वो नल करेक्टर होगा। ये चार करेक्टर से लंबी एरे हम नहीं दे सकते। कैसे सुधारें? तो यहाँ साइज़ ज़्यादा ले लो, जैसे हमने 20 ले ली, या हमें ज़्यादा की ज़रूरत हो और बड़ी ले लेंगे। इंट ए 3, और यहाँ ये स्टेटमेंट लिखा है, इसमें क्या गलती है? तो इसमें पहला तो यहाँ परसेंटेज डी की जगह कन्वर्जन स्पेसिफायर में डॉलर साइन है, डॉलर साइन नहीं होना चाहिए। दूसरा यहाँ एरे साइज 3 लिया है, यहाँ कन्वर्जन स्पेसिफायर भी 3 लिए हैं, उनमें ए 3 कन्वर्जन स्पेसिफायर नहीं हो सकता क्योंकि एरे साइज 3 है, तो कन्वर्जन एलिमेंट्स ए 2 तक की जाएंगे। क्या कैसे सुधारें? तो यहाँ डॉलर साइन की जगह परसेंटेज और इनको 1 2 3 को 0 1 2 करना होगा। डबल एफ 3 इक्वल टू 1.1 10.1 100.001 1000.0001। इसमें क्या गलती है? तो ये एरे है, इसकी साइज हमने 3 लिया है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने 4 दे दिए हैं, इसलिए ये गलती है। कैसे सुधारें? तो लास्ट एक एलिमेंट को या तो हटा दें या एरे साइज को 3 की जगह 4 कर दें। डबल डी 2 10 इक्वल और बाद में डी 1.9 इक्वल टू 2.345। इसमें क्या गलती है? तो यहाँ पर डबल सबस्क्रिप्ट में 1.9 नहीं लिखते। कैसे सही करें? तो कॉमा को उठा के यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करें और दूसरा चालू कर दें।